अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शुगर मेला के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सिंह। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है हम 2021 में कदम रखने ही वाले हैं। अब लोगों ने इस बारे में क्या सोचा है कि 2021 में उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना, 2020 को कैसे अलविदा करना है, चलिए चल के लोगों से जानते कि उनकी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। चलिए चल के किसी से बात करते हैं। अच्छा, मुझे पता है आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? बेटा, हमारी तो न्यू ईयर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कोविड को ख़त्म करने की कोशिश करें, SOPs पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोस करें, अपने बच्चों को भी बड़ों को भी जहाँ जाएं इससे बचाएं और इससे सोशल डिस्टेंस रखें, और जितना ज़्यादा हो सकता है गंदगी को दूर करें, और दूसरों को भी इस पे अमल करने की कोशिश करें। दूसरे कैसे अमल करेंगे, आपकी बात को क्यों मानेंगे? लाइक दैट कि मास्क पहने, ज़ाहिर है इसको बीमारी को फैलाने का यही एक है। Hold up. इसको बीमारी को फैलाने का यही एक है कि हम मास्क पहने भी और दूसरों को भी, और अगर कोई नहीं पहनता तो उसको सख्ती से मना करे कि आप हमसे फिर दूर ही रहें। हर चीज़ पे इसका अमल होना चाहिए, तभी होता है बेटा, कतरा कतरा दरिया बनता है, वरना तो फिर आप करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे तो ये ख़राब होती जाएगी जगह। अच्छा, मुझे बताएं क्या सोचा है 2020 में जो नहीं हुआ वो 2021 में करना है, क्या सोचा? बस घर के बहुत से काम है जो 2020 में नहीं हुए, जैसे कि बहुत से घर के मामलात हैं, ठीक है, तो जो 20 में नहीं हुए वो इंशाल्लाह 21 में होंगी अल्लाह के हुक्म से। ये कोरोना की वजह से माशी हालात बहुत ख़राब रहे हैं ऑल टू ऑल पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, हमारे भी पाकिस्तान के भी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है इंशाल्लाह ये बीमारी ख़त्म होगी तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, कारोबारी माशी हालात, इससे घर के भी हालात ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है कोरोना कब तक रहेगा? ये तो बेहतर इलम अल्लाह पाक जानता है, लेकिन इसकी वैक्सीन आ चुकी हुई है मार्केट में, ठीक है, यूरोप में यूज़ हो रही है, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, फिर मामला बेहतर की तरफ जाएंगे। 2021 में कदम रखने लगे, क्या सोचे, क्या करना है इस साल? इस साल इंशाल्लाह ताला जो अगला साल आने वाला है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको खैरियत से लाए, और हमें चाहिए कि हम सब एक हों और हम सब मुसलमान एका करें, और जितनी ये महंगाई है ये हम बताएं, हुकूमत को बताएं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब जो पिछले साल अंडे मेरे ख्याल से जब इनकी हुकूमत थी 100 रुपये दर्जन थे, अब 204 रुपये हो गए हैं। हुकूमत को भी बताएं कि जितनी महंगाई हो रही है हर बंदा परेशान है, जो गरीब है, और हमें मिलजुल के रहना चाहिए हम सबको, और लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। जी नाज़रीन, उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया है आवाम को कि 2021 में हमें मिलजुल के इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। इनसे बात की, बहुत अच्छा कहा, चल कर किसी और से बात करें। अच्छा, मुझे बताएं 2021 में क्या सोचा आपने, क्या प्लान है आपका, क्या करेंगे? प्लान फिलहाल तो कुछ नहीं, आने वाले दिन का क्या, आने वाले दिन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो करंटली पोजिशन जा रही है ये तो अल्लाह का शुक्र है, फिर भी क्या हमारे मुल्क में कोरोना के हालात यूरोप की निस्बत बहुत बेहतर हैं। ये इमरान खान साहब के जो इकदाम हैं मैं इनको बहुत सराहता हूँ, उनकी फेवर में हूँ। बस ये जो पीडीएम वाले जो है ये अपनी सियासत छोड़े और इमरान खान का साथ दे, तो इंशाल्लाह हर गुजरता दिन हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, ये तो आपने मशवरा दे दिया ना, आप ये बताएं आपने खुद अपने लिए क्या सोचा कि इस साल ये नहीं हुआ अगले साल ये करूँ? इंशाल्लाह करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बेहतरी की जानब जाए। अब मेरा स्टाल है, मेरी नीयत होगी कि हालात बेहतर हो तो मैं दुकान की तरफ जाऊँ, बच्चे हैं इंशाल्लाह बच्चों के लिए रिस्क है, हाल तो कमाना है, अगर पढ़ लिख कर भी हम लोगों ने यही करना है, चोरी डकैती करना है, जैसे कराची में स्ट्रीट क्राइम होते थे और तकरीबन अब फिर शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है कि हमारे लाहौर में ऐसा नहीं है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर की तरफ सोचेंगे, मुस्बत सोच रखेंगे तो मुस्बत काम होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं 2021 आने वाला है, क्या सोचे, क्या करेंगे उसमें? बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ज़रा बेहतरी से हवाले से गुजर जाए, तो और बात यह है कि जिस तरह 2020 गुजरे अल्लाह करे किस तरह ना हो। इस तरह ना हो तो ऐसा क्या जो आपने सोचा कि मैं 2020 में नहीं किया 2021 में तो कर गुजर? 2020 में हमने ये नहीं किया कि हमारा आईडी कार्ड ब्लॉक किया हुआ है, तो 2021 में आईडी कार्ड जरा हमने खुलवाना है। सिर्फ और कुछ नहीं सोचा और तो बाकी भी इंशाल्लाह जिस तरह बस अल्लाह बेहतर करते हो। बिल्कुल आम इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, इनसे जाना है, इनका आईडी कार्ड का मसला है, मेरी भी दुआ है कि आपका 2021 में आईडी कार्ड का मसला ख़त्म हो जाए। इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा, चल के किसी और से बात करते हैं। 2021 आ रहा है, इसमें हम लोग कदम रख रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना है जो 2020 में रह गया? अब तो डिग्री पूरी करनी है एमफिल की, उसके बाद शादी इंशाल्लाह शादी करनी है। अच्छा, मतलब एमफिल के बाद नाज़रीन दोनों का चाह है कि शादी करनी है, किसने सोचा कि पहले तो मैंने शादी करनी है? इनकी पहले होगी, ऐसा क्यों? बड़े हैं ना मेरे से, बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं, आप सोच रहे हैं कि छोटे के उस पे हक पे रख के तो मैं पहले शादी करूं? नहीं, एंगेज है ना, तो इंशाल्लाह मेरी हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। और अगर दोनों इकट्ठे ही सहरा से जाले तो? बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हम अटेंड नहीं कर सकेंगे एक दूसरे की शादी। अच्छा, जबरदस्त। और कुछ सोचा जो 2020 में रह गए वो कर ले शादी के अलावा?
अब इसके अलावा जो है हमारा बिजनेस हमने स्टार्ट किया हुआ रिसेंटली, उसको प्रमोट करेंगे मैक्सिमम फैब्रिक्स का हमारा बिजनेस। दोनों ने इकट्ठे शुरू किया, दोनों ने शादी मगर इकट्ठे नहीं करनी। नहीं शादी तो अलग-अलग करेंगे ना एक दूसरे की। दोनों ने एक दूसरे की शादी को फुल एंजॉय करने इसलिए कह रहे हैं, दोनों ने शादी करनी है 2021 में एमफिल करने के बाद, मगर अलग अलग। इनसे बात की बहुत अच्छा लगा, चल के किसी और से बात करते। आपको पता है ना हम लोग 2021 में कदम रख रहे, क्या सोचे क्या करेंगे 2021 में? इंशाल्लाह अल्लाह पाक के घर बहुत उम्मीद है कि अल्लाह पाक सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे लिए भी अल्लाह पाक अच्छा करेगा। बाकी 2020 जो गुजरे हैं ना वो तो आपको ही पता कि एक पूरा जो साल गया है ना वो हर आदमी के लिए जो परेशानी का बाइस बना है, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान है, कोशिश तो यही है कि जो भी काम हो वो अल्लाह की रजाक पे हो, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो भी करेगा बेहतर करेगा। ख्वाहिशात तो इंसान की बहुत हैं, लेकिन मेन बात यही होती है जो अल्लाह पाक पूरी करेगा वही सबसे अच्छी ख्वाहिश है। 2020 में तो कोरोना ने हमें बहुत ख़राब किया है, अल्लाह करे कि ये कोरोना हमारी जान छोड़े और कारोबार में थोड़ा सा ना इजाफा हो, क्योंकि पहले एलडीए भी हमें बहुत तंग कर रही है अभी यहाँ पे, तो ठीक है, और ऊपर से कोरोना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजीद तंग कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, कभी लॉकडाउन का इधर भी काफ़ी जगह जो है ना लॉकडाउन हुआ हुआ है जोटाउन में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2021 में जो है ना उम्मीदें हैं कि कारोबारों में इजाफा हो और हमारी मार्केट भी आगे जाए इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। ये तो मेहनत पर डिपेंड करता है ना, लेकिन ये है कि जिस तरह ये डॉलर और ये पैसा जो हमारा गिर गया है और इससे ये जो महंगाई शुरू हो गई है, तो ये अगर थोड़ा बहुत संभल गया ना तो शायद बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा और कारोबार में भी बड़ा असर आ जाएगा। और आपका 2020 कैसा गुजरा वैसे? 2020 तो जाहिर ही बात है इतने मुश्किलात से गुजरा, बिजनेस भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी और सब कुछ जो है ना ख़त्म हो गया था तकरीबन। अभी इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि शायद ये 2021 जो है वो इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, उम्मीद करते हैं बस। जी नाज़रीन, तो हमने लोगों से जाना वो क्या चाहते हैं 2021 उनका कैसा गुजरे, मेजॉरिटी ने हमें यही जवाब दिया कि वो इस कोरोना से निजात चाहते हैं। नाज़रीन मेरी भी यही दुआ है साल 2021 जो है वो अब तक सारे सालों में से बेहतरीन साल साबित हो इंशाल्लाह ताला, हर एक की जायज़ ख्वाहिशात अधूरी मोहब्बत पूरी हो। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, मुझे मीटिंग को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।